एक न्यूज निकली है, ठीक है, एक जानवर के बारे में, चीत, अंडमान निकोबार में एक जानवर है। अंडमान निकोबार का जानवर नहीं है ये, ठीक है, ये बाकी इंडिया में पाया जाता है। उसको वहां पे लेके गए हैं अंडमान निकोबार में, तो उसने कुछ किया है धमाल, इस वजह से ये न्यूज बन गई है। और वो जानवर है चीतल, ठीक है, या फिर स्पॉटेड डियर जिसको बोलते हैं आप, स्पॉटेड डियर। देखने में ये जो आप हिरन देखते हो आप लोग, ठीक है, स्पॉटेड डियर। अब इनकी स्टोरी ये है कि ये डियर कहाँ का जानवर है। अगर इकोलॉजी वगैरह पढ़ते होगे, इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ते होगे, तो किस टाइप के इकोसिस्टम में आपको डियर ज्यादा मिलेंगे, फॉरेस्ट का जानवर तो है, फॉरेस्ट का जानवर तो है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रासलैंड का जानवर होता है, ठीक है, डियर वगैरह ग्रासलैंड का जानवर होता है खासकर, और खासकर ये वाला तो ग्रासलैंड का ही जानवर है, ठीक है, वैसे घने जंगलों का जानवर नहीं है चीतल। लेकिन अंडमान निकोबार में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, मैंने एक बार और करंट अफेयर में भी बताया था, वहां पे होते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में खास बात यह होती है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में ना ऐसे बड़े बड़े मैमल जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, इसमें ये बड़ा मैमल है, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है, वहां पे एम्फीबियंस ज्यादा होते हैं, रेप्टाइल ज्यादा होते हैं, स्नेक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो अगर मैमल वगैरह होते हैं तो ये कहाँ, वो कौन से होते हैं, वो अर्बोरियल होते हैं, पेड़ों पे रहने वाले होते हैं, ठीक है, वो नीचे घूमने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जंगलों शेर भी मिलेगा, लेकिन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जानवर नहीं है टाइगर, ठीक है, और लायन तो आपका ग्रासलैंड का ही जानवर है, ठीक है, सवाना। तो ये जो है आपका, अंग्रेजों ने क्या किया, वो लोग जब उन्होंने गए, मतलब उन्होंने देखा, अब अंग्रेजों को ये था कि जहां जाएंगे शिकार करेंगे, ठीक है, अब अंडमान गए, अंडमान में कुछ शिकार करने के लिए है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसको मेनलैंड इंडिया से इस चीतल को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कहां पे किया उन्होंने, एक अंडमान निकोबार आइलैंड का मैंने मैप पढ़ाया था, तो एक ये था यहाँ पे रॉस आइलैंड था, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, रॉस आइलैंड का नाम इस समय बदल कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, ये कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस रॉस आइलैंड में चीतल को इंट्रोड्यूस कर दिया, किस लिए, शिकार करने के लिए, अपनी मौज मस्ती में के लिए, शिकार करने के लिए, जो अंग्रेज उस समय के अधिकारी रहे होंगे। फिर अंग्रेज तो चले गए, ठीक है, चीतल छूट गया वहीं पे, अब रॉस आइलैंड्स में, फिर इंडिया आजाद हो गया, फिर क्या हुआ, इंडिया में कुछ एक्ट बन गए जिसमें जानवरों को मारना अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, ठीक है, तो फिर इनका शिकार करना मतलब इंडिपेंडेंस के बाद किसी ने किया नहीं। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, ये चीतल जो थे, ये रॉस आइलैंड पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और इस तरह का जानवर या इस तरह की कोई भी स्पीशीज, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, जो कहीं और से लाकर कहीं और जगह कहीं लाई जाती है या अपने आप आ जाती है, उसको बोला जाता है इनवेजिव एलियन स्पीशीज, ठीक है,
एलियन इसलिए क्योंकि उस जगह की नहीं होती है, वो कहीं और से आई होती है, ठीक है। इन्वेजिव इसलिए क्योंकि वो उस जगह पे आके वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही होती है, डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ठीक है। इस वजह से तो ये क्या ऐसे कई टाइप के स्पीशीज हैं और कई जगह पे है, ठीक है। जैसे एक आपने पता नहीं देखा है कि तालाब में आप जब जाओ तालाबों में, तो तालाबों में क्या देखोगे आप कि थोड़ा सा जो अगर छिछला तालाब है जो गहरा नहीं है उसमें थोड़ा सा झांक के देखो तो तालाब के तल्ले पे कई पेड़ उगे होते हैं, बड़े भयंकर वाले, जो देखने से ऐसा लगता है कि मतलब तालाब का जो तल है वो पास में ही है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तालाब के तल्ले से 10-10 मीटर तक उठ गए होते हैं, ठीक है। उनको बोला जाता है वाटर हायसिंथ, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है प्लांट का, ठीक है, जिसने क्या किया है इंडिया के तालाबों पे कब्जा कर लिया है और इंडिया के तालाब की जो नेटिव प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए थी उनको खत्म कर दिया। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का यही काम होता है कि कहीं और से आती हैं, कहीं और पे क्या कहते हैं कब्जा कर लेती हैं, वहां का जो रिसोर्स होता है उसको खत्म कर देती हैं, वहां का जो नेटिव, अगर वहां का कोई जो नेटिव जानवर होगा उसको भी खत्म कर देती हैं, ठीक है, और वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। तो ये चीतल जो था, अदरवाइज इंडिया में जब रहोगे तो ये सिंपल सा जानवर है, लेकिन ये अंडमान पहुंच गया तो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, ठीक है, कैसे हो गया, इसने क्या काम किया जिसकी वजह से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हो गया, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ये देखी होगी, अगर एनवायरमेंट पढ़ते होगे या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ते होगे तो सबसे नीचे क्या होता है, फूड पिरामिड पढ़ा है, सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, है ना, हरे पेड़, फिर होता है हर्बीवोरस कंज्यूमर, ठीक है, फिर होता है आपका कार्निवोरस जिसको क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं हाँ मांसाहारी, और क्या कहते हैं तो यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर, यहाँ पे होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर वन होता है इस तरह का, यहाँ कंज्यूमर टू, ये आपके क्या कहते हैं हर्बीवोरस होंगे शाकाहारी जानवर, ये आपके कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ और होएगा, ठीक है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर थ्री होते हैं या टॉप लेवल कंज्यूमर या फिर एपेक्स प्रेडेटर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सब चीजें, ये सिस्टम रहता है, इसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपका चीतल कहाँ आएगा, का हर्बीवोरस है, ठीक है। अब जंगलों में इनकी संख्या क्यों बढ़ गई, इनकी संख्या क्यों बढ़ गई अंडमान में जाके, नॉर्मल इन जंगलों में क्या होता है, इनके ऊपर लायन रहेगा, टाइगर रहेगा, वुल्फ रहेगा, है ना, हाइना रहेगा जो इनको खा के इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में या रॉस आइलैंड में जहां पे गए हैं और तबाही मचा दी, वहां पे इनका कोई भी प्रेडेटर नहीं था, ठीक है, ना वहां लायन था, ना टाइगर था, ना हाइना था, ना जैकॉल था, ना वुल्फ था, कुछ नहीं था, जिसकी वजह से इनकी संख्या और इंसानों ने भी क्या कहते हैं आजादी के बाद शिकार करना बंद कर दिया, मतलब उसके ऊपर भी रोक लग गई, तो इनकी संख्या एकदम से बढ़ गई थी, ठीक है। और जब बढ़ गई तो क्या होगा, ये ढेर सारे हो जाएंगे तो क्या होगा, अपने नीचे वाले इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, मालूम है ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, ठीक है, तो इनके नीचे कौन है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर में कौन आपके प्लांट्स, है ना, तो इनके नीचे कौन है, प्रोड्यूसर है, तो इनकी संख्या कम होगी प्रोड्यूसर्स की, तो इन्होंने इनकी संख्या कम कर दी, कैसे कर दी, आपके जो ये होता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में
कैसे आपका सिस्टम होता है, पेड़ कैसे अरेंज कैसे होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, एक सबसे ऊपर वाला पेड़ होगा, सबसे बड़ा पेड़, इसकी ऐसी उंगली पिनोकियो बनती होगी, फिर इसके सामने एक से छोटा सा होएगा, ठीक है, जिसकी हाइट ये 10 से 15 मीटर का कुछ होएगा, ठीक है, ऊंचा, फिर ये आपका 6 से 8 मीटर का कुछ होएगा, फिर इसके नीचे एक और छोटा सा श्रब टाइप का होएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे आपके घास वगैरह थोड़ी बहुत रहेंगी, ठीक है, ज्यादा घास नहीं होती इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। इन्होंने क्या किया, इसको तीसरे लेवल कनोपी को, श्रब्स जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ठीक है, जो घास से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, इनको निपटा दिया पूरी तरह से, ठीक है, पूरा जंगल खाली कर डाला, कहीं पे कुछ श्रब्स और हर्ब्स इस तरह का कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, इस तरह का कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खा पी के सब निपटा डाला, ठीक है। एक तो उन्होंने ये किया कि पूरे श्रब्स जितने भी थे दूर दूर तक जो भी वहां पे, अब श्रब्स यहाँ पे हम लोग तो सोच रहे छोटे पेड़ पौधे, ठीक है, हम लोग के लिए तो वो है, लेकिन अगर आप अंडमान को देखोगे तो अंडमान कहाँ पे है, इंडिया मेनलैंड से दूर है ना काफी, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो यहाँ के नेटिव थे, उनको बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज, जो कि उस आइलैंड के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते होंगे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कई प्लांट के कई ऐसी स्पीशीज खा पी के निपटा डाली और गायब कर दी, एक्सटेंड करा दी, ठीक है। तो ये एक तो काम किया इन्होंने, उसके अलावा और क्या काम किया, अब इसके ऊपर ये छोटे छोटे वाले जो हर्ब्स थे श्रब्स थे इनको मतलब इसके ऊपर भी कुछ आपका छोटा बहुत जानवर वानवर रहता होगा ना, किस टाइप के जानवर इनके ऊपर आपको मिलेंगे, ऐसे छोटे पेड़ पत्तियों के ऊपर आपको यहाँ पे जाओ तो क्या मिलता है, नहीं यहाँ पे आपको मिलती है गिरगिटार जिसको बोलते हो, ठीक है, तो ये वाले गिरगिटार नहीं, ये वाले लिजर्ड्स नहीं, अंडमान में कुछ खास वहां के नेटिव वो भी एंडेमिक लिजर्ड्स थे छोटे, जो इन्हीं वाले छोटे वाले हर्ब्स और श्रब्स पे रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसे कई ढेर सारे लिजर्ड्स थे और उनके कई स्पीशीज थे, ठीक है, जो भी केवल एंडेमिक थे कहाँ के, उसी रॉस आइलैंड के, उसके अलावा पूरी दुनिया में नहीं मिलते थे कहीं। तो जब ये इन्होंने सारे प्लांट खा डाले तो ये खत्म कर दिया, तो ये क्या था, इनका इनका घर था ये लिजर्ड्स का प्लांट, तो ये क्या हुआ, इनका हैबिटेट जो होता है वो भी खत्म कर दिया इन लोगों ने, और खत्म करके तबाह कर दिया, तो ये भी क्या हो गए, खत्म नहीं हुए, ये गायब नहीं हुए, ये क्या हो गए, ये भी एंडेंजर्ड हो गए, मतलब ठीक है, इनकी भी संख्या कम हो गई। वॉइस वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को, ऑनलाइन वालों आप लोगों को वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, सृष्टि कह रही है वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इन्होंने ये काम किया है, एक तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बन गए, ठीक है, अब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होता है वो जब लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बता दिया इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वो टाइप की स्पीशीज होती हैं जो कि जहां पे इस समय मिल रही है वहां की नहीं होती है, कहीं और से लाई गई होती है, अपने आप आ गई होती है और यहाँ पे आके यहाँ का इकोसिस्टम तबाह कर रही होती है, बर्बाद कर रही होती है, ठीक है। तो ये वो बन गए हैं, अब इन्होंने इकोसिस्टम बर्बाद कैसे किया है, ये छोटे वाले जो पेड़ थे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के हर्ब्स और श्रब्स वाले जिनकी हाइट एक मीटर या मतलब आधा मीटर होती होगी, ठीक है, इनको उन्होंने खा पी के खत्म कर दिया पूरा, और पूरा रॉस आइलैंड का ये वाला वेजिटेशन ही इस तरह के प्लांट खत्म कर दिए, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट वहां के एंडेमिक प्लांट भी थे जो कि कहीं और नहीं पाए जाते थे, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये तबाही मचाई और दूसरी जब उन्होंने इस तरह के प्लांट खा पी के निपटा डाले तो ये किसका घर थे, ये वहां पे बहुत लिजर्ड्स अंडमान में मतलब कुछ
खास टाइप की लिजर्ड्स पाई जाती थी, मतलब जो कि वही अंडमान की थी, वो भी उनका ही घर भी केवल अंडमान और रॉस आइलैंड ही था, वही वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ही था, तो वो भी उनका जब हैबिटेट ही नहीं रह गया तो वो भी उनका नंबर भी रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इनका नंबर तब से रिड्यूस हुआ है जब से ये चीतल आए हैं वहां पे, तो अब इनको वापस रिलोकेट करने की कोशिश की जा रही है चीतल को, ठीक है, कि वापस किसी तरह से इनको रिलोकेट कर दिया जाए जहां से ये आए हैं, या फिर कहीं और भेज दिया जाए, या फिर किसी जू में बना दिया जाए, ताकि जो रॉस आइलैंड का जो वेजिटेशन है, जो वहां का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसलिए है क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट पढ़ोगे तो जो मैंने आपको बताया है क्या इनविजिबल एलियन स्पीशीज, ये आईएस वाला नहीं है, ठीक है, ये क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इनविजिबल एलियन स्पीशीज क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है, कोई मतलब एग्जाम्पल्स इसका भी बताइए कि कैसे किसी स्पीशीज ने कहाँ पे आके दूसरे इकोसिस्टम को तबाह बर्बाद किया है। तो ये उस कड़ी में एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में आया है कि चीतल, अदरवाइज बड़ा सिंपल सा जानवर है, ठीक है, हिरण वैसे भी क्या कहते बड़ा सिंपल सा जानवर होता है, देखो जंगल में देखो हर कोई किसी को मारे ना मारे चीतल को जरूर पकड़ के मारता है, ठीक है, तो मतलब इस तरह की हिरण को जरूर पकड़ के मारते हैं, लेकिन इस हिरण ने अंडमान निकोबार आइलैंड पे गए तो वहां जाके तबाही मचा दी है, ठीक है, क्योंकि ये इनवेजिव एलियन स्पीशीज है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर रहा, मतलब दूसरा करंट अफेयर, तो समझ में आया आप लोगों को ऑनलाइन वालों, ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर। तान्या, दिनेश, जसवीर, काजल, शिवांगी, नरेंद्र, सृष्टि, प्रदीप, अजिंदर, आकाश, अनमोल, समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो बस चलिए यही था करंट अफेयर, खत्म करते हैं आज और आपका 4 बजे आपकी ज्योग्राफी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो